देश भर में उपद्रव और अशांति फैलाने वालों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। आपको बताते चले कि देश भर में नुपुर शर्मा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन और उन्मादी वीर के द्वारा पत्थरबाजी और धार्मिक स्थल को निशाना बनाए जाने के विरोध में कटिहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा कटिहार के समरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और जिला संयोजक ने नुपुर शर्मा के पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहा कि नुपुर शर्मा के बहाने जिहादी और उन्मादी सोच रखने वाले एक खास समुदाय के लोग देश में शांति का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और धार्मिक स्थल को निशाना बना रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की है। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में अशांति और उपद्रव फैलाने वालों समूह पर बुलडोजर की कार्रवाई तेज करने की भी बात कही। किस तरह का प्रदर्शन है जी? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा देश भर में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस तरह जिहादी उन्मादियों के द्वारा देश भर में योजनाबद्ध तरीके से एक माहौल खड़ा किया जा रहा है व्यापक तरीके से ताकि देश भर में अशांति का माहौल बन सके। पिछले विगत कुछ दिनों से कुछ कार्यक्रमों में जिस तरह के हिंदू हनुमान जन्मोत्सव पर रामनवमी पर जिस तरह का देश भर में पत्थरबाजी हुआ जिसके कारण कई जगह पर कर्फ्यू लगाना पड़ा, देश में डर जैसा माहौल बनाया गया कुछ संगठनों के द्वारा जिसका विरोध आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग सब एकत्रित होकर हमारा मांग है देश में जो उन्मादी संगठन है जो जिहाद फैला रहा है वैसे संगठनों को चिन्हित कर उस पर बैंड लगाया जाए ताकि इस तरह का देश भर में जो दंगा फैल रहा है इस पर कंट्रोल किया जाए। नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कह दिया जिसके चलते आज पूरे देश में आग लगाने की योजना हो रही है? जाकिर हुसैन के वीडियो में सोशल मीडिया पे वही बातें बार बार दोहराई गई हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई नहीं कुछ कर रहा। आज नुपुर शर्मा के नाम पर पूरे देश को जलाने की साजिश हो रही है, धार्मिक उन्माद, पत्थरबाजी, आगजनी, और जहाँ जहाँ ये घटनाएं घटती है वहाँ पर हिंदू धर्म स्थलों को निशाना बनाया जाता है, हिंदू लोगों पर जो है उनकी दुकानों को लूटी जा रही है। तो ये धार्मिक उन्माद पूरे देश को जलाने की एक सुनियोजित योजना है जिस पर अंकुश लगाने के लिए, और हमारी तो यह मांग है कि योगी जी के बुलडोजर को और गति मिलनी चाहिए, योगी जी का बुलडोजर और तेजी से चलना चाहिए और ऐसे तत्वों पर बहुत ही सख्त कार्रवाई और करने की आवश्यकता है। ये हमारी मांग है सरकार से। मैं अजीत कुमार मोदी, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद कटिहार जिला।